हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फिर से धोखा देने की फिराक में है ड्रैगन। भारतीय सीमा पर भारी संख्या में कैंपों का कर रहा है निर्माण। जी हां दोस्तों, 8 जगह पर चीन ने बनाए नए सैन्य ठिकाने। बड़ी खबर, और 50,000 सैनिकों की भी तैनाती कर रहा है। जी हां दोस्तों, अभी की सबसे लेटेस्ट और सबसे ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने वाले दोस्तों। साथ ही आगे की खबर में बताएंगे, जहां यहाँ पर पाकिस्तान में इमरान खान को लगा है बड़ा झटका। ग्वादर में जिन्ना की प्रतिमा को बम से उड़ा दिया गया है दोस्तों। ब्रेकिंग न्यूज बताएंगे आपको, साथ ही बताएंगे जहाँ पर अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार स्वागत के बाद इमरान खान पर बरसा पाकिस्तानी मीडिया। क्या कहा है दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान खान को, ये भी बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे, जहाँ पर जिनेवा के बाद अब पाकिस्तान का लंदन में हुआ है बड़ा विरोध। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री कुरैशी को बताया है बड़ा अत्याचारी। दोस्तों बताएंगे अभी की सबसे ब्रेकिंग न्यूज क्या है, तो हर तरह की खबर आज आपको बताने वाले हैं दोस्तों, इसीलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो बढ़ते पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां फिर से धोखा देने की फिराक में है ड्रैगन। भारतीय सीमा पर भारी संख्या में कैंपों का निर्माण कर रहा है चाइना। जी हां दोस्तों, लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुए। करीब 17 महीने बीत चुके हैं, लेकिन ड्रैगन की धोखेबाजी की फितरत नहीं बदली है। भारतीय सेना से मुंह की खाने के बाद ड्रैगन और तेजी से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। ताजा रिपोर्ट में पता चला है कि चीन भारतीय सेना के पास भारी संख्या में कैंपों का निर्माण कर रहा है दोस्तों, ताकि चीनी सेना अपना ऑपरेशन चला सके। बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सीमा के पास चीन की सेना PLA भारी संख्या में कैंपों का निर्माण कर रही है, जहां न सिर्फ PLA के सैनिक रह सकेंगे बल्कि वहां पर घातक हथियारों की भी तैनाती करने में ड्रैगन जुटा हुआ है दोस्तों। एक तरफ चीन लगातार भारत से बात कर रहा है और दूसरी तरफ चीन की सेना कैंप बनाने में व्यस्त है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन एक बार फिर से भारत को धोखा देने की फिराक में है। सूत्रों का कहना है कि लेटेस्ट सर्विलांस और खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने पूर्वी लद्दाख के सामने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास कम से कम 8 और आसपास के क्षेत्र में अपने सैनिकों के लिए नए मॉड्यूलर कंटेनर आधारित आवास का निर्माण किया है दोस्तों। आखिर कहाँ है इन कैंपों का निर्माण जो चाइना कर रहा है। दरअसल सूत्रों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि चीन की सेना काराकोरम दर्रे के पास वहाब जिलगा से लेकर पीयू हॉट स्प्रिंग चांगला ताशीगोंग मांजा और चुरूप तक लगातार कैंपों का निर्माण कर रही है दोस्तों, क्योंकि ये पूरा इलाका LAC के साथ दक्षिण की तरफ जाता है। एक सूत्र ने कहा है कि हर एक स्थान पर 7 समूहों में व्यवस्थित 80 से 84 कंटेनर मौजूद है दोस्तों, और भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करने जा रहा है दोस्तों ये चाइना। ऐसे में भारत की इस पर सर्विलांस कह लें या सैटेलाइट कह लें दोस्तों, हर तरीके से पैनी नजर गड़ाए हुए है, और इसके एक एक कारनामों का माकूल जवाब देने को अपना भारत तैयार है दोस्तों। इसीलिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारतीय सेना मत लिखना भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर ग्वादर में जिन्ना की प्रतिमा को बम से उड़ाया। बलूच फ्रंट ने ली है हमले की जिम्मेदारी, इमरान खान को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के ग्वादर में मोहम्मद अली जिन्ना की एक मूर्ति को रविवार को एक बम हमले में नष्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान में प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, और आपको बता दें कि ये शहर पाकिस्तान के साथ साथ चीन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिन्ना की ये प्रतिमा इस साल की शुरुआत में मरीन ड्राइव पर लगाई गई थी, जिसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। जी हां दोस्तों, खबर के अनुसार विस्फोट में प्रतिमा पूरी तरह से नष्ट हो गई है। BBC उर्दू की खबर के अनुसार प्रतिबंधित संगठन बलोच रिपब्लिकन आर्मी के प्रवक्ता बगबर बलोच ने ट्विटर पर विस्फोट की जिम्मेदारी ली है दोस्तों, और ये इमरान खान के लिए बहुत बड़ा दर्द होने वाला है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान की जनता इमरान खान से जवाब मांगेगी दोस्तों, और ऐसे में इमरान के पास कोई जवाब नहीं है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हुआ जोरदार स्वागत, इमरान खान पर बरसा पाकिस्तानी मीडिया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका में जिस प्रकार यात्रा के
दौरान जो बाइडेन के जोरदार स्वागत और क्वाड देशों की बैठक से पूरी दुनिया के लोग खुश हैं दोस्तों। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह से इमरान खान पर भड़क उठी है। बता दें पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान खान के अमेरिका ना जाने और भारत के बढ़ते प्रभाव पर पाकिस्तान की पीटीआई सरकार को जमकर सुनाया है। पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने कहा है कि इमरान खान का संयुक्त राष्ट्र महासभा को वर्चुअली संबोधित करना एक बड़ी कूटनीतिक असफलता है। हम भारत का मुकाबला तक नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक किसी बड़े नेता ने इमरान खान को मिलने के लिए समय नहीं दिया था, इस वजह से उन्होंने बेइज्जती के डर से अमेरिका ना जाना ही उचित समझा। पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने कहा है कि 20 महीने हो गए और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इमरान खान से मुलाकात तक नहीं की और हम दावा करते हैं कि चीन हमारा दोस्त है। एक अन्य पाकिस्तानी विशेषज्ञ ने कहा है कि इमरान खान को महासभा में जाना चाहिए था, लेकिन हमने केवल अपने विदेश मंत्री को भेजा जो किसी से नहीं मिला। तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन क्वाड देशों के नेताओं और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों से मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद मीडिया बौखलाते हुए इमरान खान को घेरती नजर आई है दोस्तों, और पूरे पाकिस्तान के लोगों ने भी इमरान खान को घेरा है दोस्तों। और इमरान की ये अंतिम ही सरकार है दोस्तों, ऐसा है पाकिस्तान के लोगों का कहना है। क्या कहना है दोस्तों, ऐसे में आप सभी का सुझाव जरूर दीजिएगा। जिन भाइयों ने और बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया कृपया करके लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, हमारी एक मेहनत को सफल बनाने के लिए। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर जर्मनी में क्रिसमस तक होगा चांसलर के नाम का ऐलान। राजदूत ने कहा भारत के बिना वैश्विक मसलों का हल नहीं। जी हां दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को जर्मनी का साथ मिल गया है। जर्मनी ने कहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है और भारत के बिना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जीतना नामुमकिन है। भारत में जर्मनी के दूत वाल्टर जे लिंडर ने आतंकवाद के साथ साथ अफगानिस्तान और अंतरराष्ट्रीय मसलों पर भी भारत का साथ देने का ऐलान किया है। आपको बता दें भारत में जर्मनी के दूत वाल्टर जे लिंडनर ने भारत को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की है दोस्तों, और कहा है कि भारत की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ और इस हिसाब से विश्व का हर पांचवा शख्स भारतीय है। जी हाँ दोस्तों, लिहाजा वैश्विक मुद्दों पर आप कोई भी राय बनाते हैं तो उसमें आपको भारत को अपने साथ रखना ही होगा, वरना कोई भी मुद्दा सफल नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, तो जर्मनी के दूत ने भी माना है कि भारत के बिना विश्व में कोई भी फैसला अधूरा है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी ये गर्व करते हैं कि मेरा जन्म भारत में हुआ है दोस्तों, मैं एक भारतीय हूँ, गर्व से कहते हुए कमेंट में ये बात जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों कि हम भारतीय हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर अब पाकिस्तान का लंदन में भी हुआ है विरोध। उच्चायुक्त के आवास के सामने प्रदर्शन, विदेश मंत्री कुरैशी को बताया अत्याचारी। जी हाँ दोस्तों, जिनेवा के बाद अब पाकिस्तान का लंदन में भी विरोध शुरू हो गया है। यहाँ 3 दिन के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और उन्हें अत्याचारी बताया है। आपको बता दें कि शाह महमूद कुरैशी 3 दिन के आधिकारिक दौरे पर लंदन पहुंचे हैं दोस्तों। उनके लंदन पहुंचते ही नेशनल इक्वेलिटी पार्टी जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के कार्यकर्ताओं कश्मीरी पाकिस्तानी उच्चायुक्त के आवास के सामने इकट्ठा हो गए और विरोध में नारे लगाने लगे हैं दोस्तों। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के खिलाफ अत्याचार कर रहा है और भारत को इस पर एक्शन लेना चाहिए दोस्तों। और पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से बड़ा अत्याचारी इस दुनिया में कोई नहीं, ऐसा उनका कहना है दोस्तों। और भारी विरोध हुआ है पाकिस्तान का लंदन में, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? इसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो पर दोस्तों हमारे, अगर नहीं किया है तो। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर अब अबू धाबी में अयोध्या जितना ही भव्य मंदिर बनाने का दावा, कम से कम 1000 साल होगी इसकी उम्र। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि संयुक्त अरब अमीरात में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अब मंदिर को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह मंदिर इतना ज्यादा मजबूत होगा कि उसकी उम्र कम से कम 1000 साल से ज्यादा होगी। सैकड़ों इंजीनियरों की टीम इस भव्य मंदिर के निर्माण कार्य में लगी हुई है और अब एक वीडियो जारी करके इस मंदिर के निर्माण कार्य के बारे में जानकारियां दी गई है दोस्तों। अगर आप भी खुश हैं कि श्री राम भगवान का दोस्तों पूरे विश्व में नाम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम 3 बार जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां वेस्ट बंगाल से बड़ी खबर, भवानीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी
सांसद दिलीप घोष पर हमला हुआ है दोस्तों। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है इसका आरोप। बता दे कोलकाता से खबर, जहां भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंची बीजेपी सांसद दिलीप घोष पर हमला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमले का आरोप सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है दोस्तों। और इस दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट भी हुई है। इसके अलावा टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष के खिलाफ नारेबाजी की और धक्का मुक्की भी की गई है दोस्तों। ऐसे में इस टीएमसी कार्यकर्ताओं को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जिन्होंने शांति भंग करने का काम किया है दोस्तों, और टीएमसी ने ही बीजेपी सांसद दिलीप घोष पर हमला भी किया है दोस्तों। तो अपना राय सुझाव जरूर दीजिएगा, क्या कहना चाहेगी भारत की जनता इस पर। साथ ही दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। जय हिंद।